कैपिटल स्पोर्ट विशकिल शेख के साथ मैं नवीद खोखर। नाज़रीन प्रोग्राम में बात करेंगे आज T20 वर्ल्ड कप के हवाले से, जहां कल जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान को शिकस्त दे दी। एक रन से पहले पाकिस्तान को शिकस्त हुई थी इंडिया से 4 विकेटों से, और कल जिम्बाब्वे ने एक अपसेट मैच खेला पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान को शिकस्त दी। एक रन से 131 रन का टारगेट मिला था पाकिस्तान को। पाकिस्तान टीम महज 129 रन स्कोर कर सकी और 20 ओवर में 8 खिलाड़ी पाकिस्तान के आउट हुए, और इतनी बड़ी शिकस्त पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के मैदान में। क्या तैयारी थी हमारी, पाकिस्तान की जो बैटिंग ऑर्डर है, बैटिंग लाइनअप है, वो कोलैप्स करती जा रही है मुसलसल। शाहीन शाह अफरीदी नहीं चल पा रहे। इसी प्रोग्राम में इसी सेट के ऊपर हमने बात की थी कि शाहीन शाह अफरीदी मुकम्मल सेट नहीं है, और अगर अब खुदा ना खासा उन्हें दोबारा से इंजरी होती है तो वो शायद सारी ज़िंदगी के लिए क्रिकेट नहीं खेल सकेंगे। इस पर बात करेंगे, शकील शेख साहब मेरे साथ मौजूद हैं। शेख साहब वेलकम करते हैं शो में, और आज बहुत गुस्सा है, बहुत दुख है आवाम को, उस पर बात करेंगे पाकिस्तान जिम्बाब्वे की शिकस्त के हवाले से। यकीनी तौर पर नवीद, देखो ना, आप प्रिपरेशन ही नहीं है, टीम ही अच्छी नहीं है, सिलेक्शन अच्छी नहीं है, और ज़ाहिर है कि कौम गुस्से में है। आपने देखा है रात से जब मैच आ रहे हैं तो जो कौम का रिएक्शन आया, रमीज राजा कहता था जी फैंस बड़े हैं, फैंस ने तो उड़ा के रख दिया जी बिल्कुल। और कौन से फैन हैं, सारी कौम गुस्से में है कि जिम्बाब्वे जैसी टीम लो स्कोरिंग मैच और उनको जल्दी आउट भी कर लिया, और आपके बैट्समैन और मिडल ऑर्डर सारा जो है वो 130 रन नहीं कर सके। यार ये भी कोई बात हुई, ये कोई क्रिकेट है? पाकिस्तान की क्रिकेट इतनी मतलब है कि लो लेवल पर तो नहीं है। सही, तो इसलिए गुस्सा कौम का बनता है और रमीज राजा पर ही बनता है। आप 1.5 साल 1.5 साल हो गया आए हुए हो, आप मिडल ऑर्डर नहीं बना सके, आप हाई परफॉर्मेंस सेंटर में लड़कों से काम नहीं ले सके, आपने पाकिस्तान ए नई टीमें बनाई जिससे लड़कों ने आना होता है, डोमेस्टिक तबाह की हुई है, तो ये सारी उसकी कल्मिनेशन है। उसका एंड ये हुआ है कि पाकिस्तान को बड़ी एक रन से ना अजीमत उठानी पड़ी है, और ये मतलब है कि दिलों के अंदर से गुजर गई है, चीर के गुजर गई है। देखो कोई बड़ी टीम हो, चले मैं कहता हूँ कि इंडिया से आप खेले, अच्छा खेले, 20 ओवर पूरे खेले, लड़के खेले और जीतने की पोजीशन में भी आ गए थे, मगर यहाँ तो यार टीम कौन सी है, मुझे समझ नहीं आ रही। किसी के जेनो गुमान में भी नहीं था कि हम जिम्बाब्वे से मैच हार जाएंगे, बड़ा लूज ले रहे थे सारे मैच को। क्या बताऊँ, मजा रवानी ठीक है, ग्रावा और एक उनका पार्ट टाइम बॉलर है विलियम, वो नहीं खेला जा रहा। सिकंदर जो है ही इज ए पार्ट टाइम स्पिनर, ना बॉल फिर रहा है, ना कुछ हो रहा है, ना टर्न हो रहा है, वो नहीं खेला जा रहा। और टांगे काम वो क्या कहते हैं, काम पे टांग रही थी, काम पे टांग रही हैं इनकी। ये को क्रिकेट है यार, यही तो प्रेशर है, यही है मुल्क के लिए खेल रहे हो, खुदा के लिए। अच्छा लड़कों की बात अपनी जगह पे है, जो सिलेक्शन की है उसका स्टैंडर्ड बड़ा गलत था, आपने कॉम्प्रोमाइज किया है। रमीज राजा एक क्रिकेटर था, उसको चाहिए था कोई अच्छा चीफ सिलेक्टर रखता जी, कमज़ोर कमज़ोर से लोग रख लिए हैं, कोचिंग में भी रख लिए हैं, टीम मैनेजमेंट में भी वही लोग हैं, तो रिजल्ट तो ये होना था ऐसे ही। और एक मैं बात आपको बता दूं कि डाटा निकाला, पता लगा जी पाकिस्तान तो ऑस्ट्रेलिया में कभी जीता ही नहीं T20, हाँ जीता ही नहीं है, कभी भी नहीं जीता, यानी बायलेटरल सीरीज कभी भी नहीं जीते जी। फिर आप जा किस जगह पे रहे हैं, वहाँ सीजन देखें, प्री सीजन है, बारिशें भी हैं, विकटें उनकी ज़रा और तरह की हैं, बॉल उठ के आता है, ग्राउंड हार्ड है, आप इंजर्ड प्लेयर 4-4, 5-5 ले गए हैं, और आप समझ ही नहीं रहे किसी को कि पता नहीं क्या हो जाएगा सर भाई, आप कौन सा, आप तो बड़ी बुरी तरह शिकस्त खा के 2 दफा श्रीलंका से आप हार के एशिया कप गए हो जी, और फिर भी आपने सबक, फिर खड़े होकर कह देते हैं जी कि वी विल लर्न फ्रॉम द डिफीट, सेटबैक से हम जो है ना वो लर्न करें। क्या लर्न किया जी, ये लर्न किया है कि आपने मतलब जिम्बाब्वे से आप हार गए हैं जी। शर्म आनी चाहिए रमीज राजा को, शर्म आनी चाहिए इन सारों को, और मैनेजमेंट सारी की सारी, मैं कहता हूँ सारों को रिजाइन करना चाहिए। ये सारे आपको पता है कौन लोग हैं, किस तरह आए हैं, अच्छा हम एक बात, सियासी क्लाउट है इनका और क्रिकेट की कोई परवाह नहीं है। मैं तो हैरान परेशान हूँ कि अभी तक इसने रिजाइन क्यों नहीं किया। सही भाई, तुम्हारा क्या काम है, तुम जाओ करो, बड़ी शोर मचाया हुआ था जी वो वर्ल्ड कप हम जीत के आएंगे, हार तो हमने देखी नहीं, फिलहाल नहीं है। अब बहुत कोई रिमोट सी पॉसिबिलिटी 0.11% कहीं पे है, चलो तकदीर अल्लाह करे कि साथ दें हमारा, लेकिन मुझे मुश्किल लगता है आपके 0.2। पाकिस्तान ने इतनी बुरी कैंपेन किसी इंटरनेशनल टूर्नामेंट में कभी नहीं की कि पहले 2 मैच ही हार जाए। सर वर्ल्ड कप शुरू होने से 6 महीने पहले मोहम्मद हफीज़ ने ये बात कही थी, और हमने इसको सेकंड किया था यहाँ प्रोग्राम में, कि पाकिस्तान का जो स्क्वाड बाज़ाहिर दिख रहा है जैसे वो भेजेंगे, ये टीम पाकिस्तान की वर्ल्ड कप नहीं जीत सकती। फिर उसके बाद से मुख्तलिफ दीगर प्लेयर्स ने बात की, शुएब अख्तर ने बहुत पहले कहा, शुएब अख्तर ने बहुत पहले कह दिया सेमीफाइनल में नहीं जा सकती, और बहुत सारे क्रिकेटर्स ने कह दिया, क्योंकि जब आपने अनाउंस की थी तो लोगों ने असेसमेंट कर ली थी लड़कों की, आपने डिजर्विंग लड़के शुएब मलिक है आपका, अमाद वसीम है, और लड़के अच्छे खेल रहे हैं, आपने उनको नहीं खिलाया, हैदर अली को आप क्यों खिला रहे हैं, क्या क्या हो क्या गया है? मुझे नहीं समझ आई,
भाई बॉल सीधा बॉल आ रहा है, सीधे बॉल के पीछे बल्ला बल्ला नहीं रखा जा रहा, बल्ला साइड पे है, अच्छा या तो बॉल ने कोई ड्रिफ्ट ली हो, बॉल को टर्न हुआ हो। चलो जी, बहुत आर्टफुल बॉलर था, बड़ा मजा हुआ, बॉलर हाँ मुरलीधरन आ गया जी, कंट्रोल नहीं हो रहा। वो बॉलर भी खोसा जो मतलब पार्ट टाइम बॉलर था जी यार, मैं कहता हूँ कि इसको चाहिए था कि ये उसी वक्त रिजाइन करता, अपनी वो बुक उठाता और कजाफी स्टेडियम से कहता जी खुदा हाफिज, फिरोजपुर रोड से निकल के अपने घर जाता और मुंह छुपा लेता। उल्टा ये लोगों को कह रहे हैं वो जी ये हो जाएगा वो हो जाएगा। यार शर्म आनी चाहिए, पाकिस्तान है, ये मुल्क है, बड़ा इज्जतदार और बड़ी अच्छी क्रिकेट हमारी, क्रिकेट बिल्कुल में भी हमारी जितनी इज्जत है, हमने बड़े बड़े कप जीते हुए, बड़ी बड़ी टीमों को हराया हुआ, बड़ी ज्यादती की है इन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट के साथ, उड़ा के रख दिया है, सारा डोमेस्टिक खराब, आपकी सारी अरेंजमेंट खराब, आपकी इंटरनेशनल टीमें खराब, फिटनेस कोई नहीं है, ठीक है, और मतलब है अच्छा फील्डिंग का स्टैंडर्ड आपने देख लिया है जी पुअर, बॉलिंग आप थोड़ी बहुत करा लेते हो, वो भी शहनशाह वगैरह आप फिट नहीं है, आपने देखा है कि उसको पहले ओवर में ही 14 पड़ गई थी, बिल्कुल और बड़े मीठे मीठे ढीले ढीले से 130-132 पे गेंद कराए हैं, उसने उठा के मारे हैं, ठीक है यार, वर्ल्ड कंपटीशन हो रहा है, दूसरी टीमें आई हैं, को खुदा का नाम और सीरियस बड़ी लो, तैयारी के साथ आई हैं सीरियस लो इस बात को जी बिल्कुल। अच्छा शेख साहब, यार। अगर कल के मैच में पाकिस्तान की गलतियों की बात कर लें तो आप कौन कौन सी गलतियां कहेंगे? मैं तो नंबर वन में तो कह दूंगा वैसे कि आसिफ की जगह इन्हें हैदर को बाहर बिठा लेना चाहिए था, आसिफ कम से कम एक दो छक्के मार लेते। नहीं देखो मैं आपको बताऊं, बॉलिंग तो अच्छी हुई, ठीक सही है, है वसीम की चेंजेस को आप चैलेंज नहीं कर सकते, ठीक चार है विकेटें वो ले गया ठीक है और अच्छी खूबसूरत बॉलिंग की है उसने, और वो हिटिंग भी कर लेता है नीचे, जितनी आसिफ कर लेता है ना वो भी कर लेता है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। नहीं मैं कह रहा हूँ आसिफ अच्छा की जगह हैदर को बॉलिंग बाहर बिठाते आप बॉलिंग सारी ठीक हुई है, थोड़ी सी फील्डिंग में लैप्सिस हैं, जी। एक जो आप कर ही नहीं सकते, फिटनेस के प्रॉब्लम है, दो, तीसरे ये है कि आपका ऊपर से लेके नीचे तक, अच्छा पर्सनल थोड़ा सा माइलस्टोन कर लेते हैं, शान मसूद ने 40 कर लिए, यार मैच को फिनिश करो, सही आउट है कैसे हुआ है सिकंदर रजा से, राउंड द लेग स्टंप हो गए, बॉल नहीं खेलेगी, तो सारी गलती जो है ना वो आपकी बैटिंग मिडिल ऑर्डर की है, जहां बाबर और ये आउट होते हैं, फिर मिडिल ऑर्डर कहीं थोड़ा सा होता है, इफ्तिखार को चाचा वो लोग नारे मार रहे थे, हाँ बिल्कुल मैंने आवाज़ सुनी है बीच में, पता नहीं इसी को कह रहे थे किसी, चाचा इफ्तिखार, जी चाचा और इफ्तार, मतलब है कि बेपनाह गलतियां अच्छा की चाचा हैं, भी नहीं चल सके ना प्रॉपरली हाँ कल बेपनाह उन्होंने गलतियां की पांच हैं, पांच और घबरा के थोड़ा सा उसने फिर दिखाने का किया था नवाज़ ने, कोशिश की थी 20-22 रन से कि शायद वो उसको पकड़ ले, शहनशाह देखो जी रन्स बनता नहीं है, और अगर आप फिट नहीं हो तो ना भागो साहब, दूसरा रन मैंने आपको क्लिप भी भेजा है, आप वो बल्कि चलाएं यहाँ पे, कि यार किस तरह का मतलब आप भाग रहे हो और खामखा आप आउट हो रहे हो, ना भागो फिर रन ना लो, सही चलो है छोड़ दो, ठीक हो गया और कोई रनजे नहीं थी, जब आपको 16 डिफेंड करना पड़ा था लास्ट ओवर में इंडिया के खिलाफ तो आप नहीं कर सके, यहाँ पे 11-11 करना पड़ा था तो 11-11 करवा दिया, ठीक हो गया 11 जो है हाँ यहाँ हाँ 11 ही करना था जी ना, बिल्कुल ग्यारह आपने कितना करना था, जी 11 ही करना था, एक रन शॉर्ट आप रह गए, यानी ठीक है 11 रन नहीं आप कर सके। और आपको मैं मजे की बात बताऊं कि लोग कह रहे हैं कि 37 बॉलों पे शायद 41 के 42 तक 7 विकेटें पाकिस्तान की हाथ में थी, सही है 7 विकेट्स, 7 विकेटें आपने आखिरी 6 ओवरों में गंवा दी हैं। पाकिस्तान की बैटिंग लाइन तो ऐसे ही कोलैप्स करती रहती है। मैं जहीरुल हसन साहब क्रिकेट एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं सर, वेलकम करते हैं शो में। अस्सलाम वालेकुम नवीद और शकील शेख साहब, जी मेरा वालेकुम सलाम, आप सलाम दोनों को सर। मैं कैसे ज़रा हैं आप? पूछना चाहूँगा आपसे, कल का मैच बड़ा पाकिस्तान को अपसेट किया हुआ है अभी तक, वो डेरन समी कहते हैं कि रात को जब वो सोए और सुबह उठे और फिर भी वो ये समझ नहीं पा रहे थे कि पाकिस्तान मैच हार गया और जिम्बाब्वे है जो वो उन्होंने डिफेंड कर लिया अपने 130 को। क्या समझते हैं पाकिस्तान की गलतियाँ कहाँ हैं? इतनी छोटी सी टीम, आप ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप में गए हुए और वहाँ पर जाके एक रन से शिकस्त खा जाते हैं, पाकिस्तान टीम में गलतियाँ कहाँ कहाँ पर और हमें कहाँ कहाँ पर सुधार करने की ज़रूरत है? देखें, सबसे पहले बात भी है कि गलती शुरू से ही है। जब टीम सेट हुई थी उस वक्त भी ये कहा गया था कि टीम जो है सही नहीं है, जिस पर रमीज राजा साहब जो है, जब मुझे याद है कि जब YouTube चैनल चलाते थे अपना तो उसके ऊपर तो सारी खामियां उन्हें नजर आती थी, मोहम्मद यूसुफ को भी सारी खामियां नजर आती थी, मगर आज जब उनके पास अख्तियारात हैं तो उन्हें जो है कोई खामी नजर नहीं आती। और आपको याद होगा कि हर चैनल के ऊपर ये कहा जाता था कि टीम में हमारे पास मिडिल ऑर्डर जो है वो सही नहीं है, शुएब मलिक की जरूरत है, इमाद वसीम की जरूरत है, मगर है कि बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है उनको तो नहीं लिया, मगर है कि 3 अनफिट प्लेयर्स को साथ लेके गए हैं। कहीं ऐसा होता है कि कोई फ्रैक्चर जिस प्लेयर को है, और जो प्लेयर ऑलरेडी जो है फखर जमान हो गया, शाहीन हो गए, आपके उस्मान कादिर हो गए, ये इंजर्ड हैं और ये टीम के साथ ट्रेवल करते हैं, पहली दफा मैंने देखा है।
कि मुझे लग रहा है कि शायद जो है दोस्ती यारी बहुत ज्यादा निभाई जा रही है, और फहीम अशरफ की जगह बनती थी उन्हें भी यहाँ टीम के अंदर नहीं लिया, और ये मेरे ख्याल से पाकिस्तान जो है तीन स्पिनर के साथ चला गया, जहाँ स्पिनर्स बड़े मुश्किल से दो भी एडजस्ट होते हैं, अभी अगर ऑलराउंडर हों तो ये शुरू से लेकर आखिर तक गलती है इनकी। और मैं समझता हूँ कि रमीज राजा जो है को जो है इनको रिजाइन देना चाहिए इसके ऊपर, और मेरे ख्याल है प्राइम मिनिस्टर साहब को जो है फौरी तौर पर जो है नई नॉमिनेशन करनी चाहिए, और उन लोगों को लाना चाहिए जिन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट के लिए खिदमत दी है। शकील शेख साहब हो गए, नजम शेट्टी साहब हो गए। देखें अगर आप एक चीज नोट करें कि डोमेस्टिक क्रिकेट, किसी को पता है कि इस दफा कोई डोमेस्टिक क्रिकेट हो रही है? पाकिस्तान क्रिकेट का बेड़ा गर्क होकर रह गया जी, किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है, किसी को कोई दिलचस्पी नहीं है डोमेस्टिक क्रिकेट, पता नहीं लग रहा कि डोमेस्टिक क्रिकेट हो भी रही है कि नहीं हो रही है, और ना डोमेस्टिक क्रिकेट से कोई नया प्लेयर आ रहा है, ना ही कोई जो है हम समझ रहे हैं कि जिसे कोई डेवलपमेंट नजर आ रही हो। बिल्कुल तबाह बर्बाद हो चुकी है पाकिस्तान क्रिकेट, बिल्कुल ऐसा ही है। मैं शेख साहब जरा बात करेंगे आपसे, लेकिन मैं जरा ये आप डोमेस्टिक क्रिकेट की बात करते हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट का रोना अपनी जगह पे, इंटरनेशनल टीम्स पाकिस्तान में आती हैं, अरेंजमेंट ठीक नहीं होते, आप बाहर खेलने के लिए जाते हैं हार के आ जाते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में तो है ही कुछ भी नहीं, रहा ही कुछ भी नहीं है, सिर्फ डोमेस्टिक क्रिकेट ही नहीं, ओवरऑल सारे मामलों के ऊपर जिस पे भी बात करें ऐसा ही है, रोना है हर तरफ। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, क्योंकि देखें इंटरनेशनल क्रिकेट जो है हमारे लोग जो दुआएं कर रहे थे इंडिया के खिलाफ, आप यकीन जाने कल मैं एक चैनल पे बैठा था, मैं यही समझ रहा था कि शायद हमें 15 ओवर में या 13 ओवर में इस मैच को जीतना चाहिए, तो हालत ये हो गई थी कि हम जो है मैच हार गए, जीतना तो दूर की बात है, जबकि कल हमें एवरेज, हमें कल प्लस के लिए खेलना चाहिए था, हमें कल वो माइनस के लिए नहीं खेलना चाहिए। मैं तो बड़ा हैरान हो रहा हूँ, शान मसूद का जो है बयान चल रहा था के जो है वो हम 13 ओवर तक मैच हमारे कंट्रोल में था, भाई 13 ओवर में तो मैच आपको फिनिश करना था 13-14 ओवर में, इसका मतलब आप सिर्फ जीतने के लिए गए थे, आपने क्या एवरेज नहीं बनाना कि आपको आगे साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया के आपको सुकून से रहने देगा, एवरेज के ऊपर दोनों प्लस के अंदर जा रहे हैं और हम माइनस के अंदर जा रहे हैं, जब प्लेयर्स की मेंटेलिटी ये हो कि हम सिर्फ मैच जीत जाए तो फिर वो मैच हार ही जाते हैं। सही है जय साहब, आपको वेलकम करते हैं, आप ये बताइए कि आप क्या, ये तो हो गया, ये तो इन्होंने डिजास्टर कर दिया पाकिस्तान क्रिकेट के साथ, जो खिलवाड़ हुआ है पिछले 4 सालों में, डिपार्टमेंट में नहीं थे आप, डिपार्टमेंट के लेटर भी चले गए हैं, सारा चले गया है, आप मोटी मोटी 4-5 बातें बताएं कि अब कैसे ठीक करना चाहिए, ये जो है रमीज राजा ये चीफ सेलेक्टर हो गया, ये आपके वहाँ डायरेक्टर बैठे हुए हैं, बड़ी बड़ी तनख्वाहें ले रहे हैं और करोड़ों में ले रहे हैं, ठीक है मंथली इनका करोड़ों में जाता है, क्या ये रिजल्ट है, इस कौम को ये डिज़र्व करता है, क्या हमारे बच्चे हमारे लोग जो हैं वो ये देखने को बैठे हुए हैं कि स्टेडियम में टीम गई है और जमावे से हार गई है, 130 रन नहीं आपसे होते, जैसे आपको 2-4 मोटी मोटी बातें बताएं कि आप क्या करना चाहिए, आप कैसे, मतलब है कि टूर्नामेंट में वापसी का बहुत ही डिम सा चांस है, लेकिन चलें बहरहाल थोड़ा बहुत मतलब 0.11% आप कह लें, आप 2-4 मोटी बातें बताएं कि किसको घर जाना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या निज़ाम होना चाहिए, आपका तजर्बा भी है, आपने डिपार्टमेंट भी चलाए हैं, तो ये पाकिस्तान क्रिकेट के साथ क्या किया है, जरा जई साहब का क्या ख्याल है इस पे, आपकी टेक क्या है? ये इन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट के साथ जलजला आ गया है, कुछ अच्छा। किया नहीं, जलजला आ गया इनको, अच्छा। रमीज राजा समेत जो है तो चीफ सेलेक्टर इन सबको घर जाना चाहिए, चाहे वो डोमेस्टिक के डायरेक्टर हो उनको भी घर जाना चाहिए, आपके दोस्त हैं रमीज राजा, फिर आप उनको घर। देखे बात पता है क्या है, जब मुल्क की बात आती है तो कोई दोस्त नहीं होता शेख साहब, और सही बात ये है कि उन्होंने, वो क्रिकेटर थे, कहा यही जाता था कि एक क्रिकेटर को बनाया जाए तो चलो ठीक है क्रिकेट की बेहतरी आएगी। आप मुझे बताएं कि जब वो यूट्यूब पे बैठते थे तो बाबर आजम की कप्तानी पे क्रिटिसाइज करते थे, तो बाबर आजम ऐसे, देखें बाबर आजम की तो T20 में जगह ही नहीं बनती, ठीक है नो डाउट टेस्ट का अच्छा प्लेयर है वो, वनडे आप उसको खिला दें ठीक है, अब T20 के अंदर पूरा डिस्टर्ब करके रख दिया ओपनिंग बैटिंग की वजह से, रिजवान जो है वो आप देखें कि वो सिर्फ अपने दोस्तों को प्रेफरेंस दे रहे हैं, अभी जो है उन्होंने कल जो डिसीजन किया आसिफ को कल बाहर किया उन्होंने, मगर कि मुझे नहीं समझ आ रही कि ये सब जो बाहर बैठे हुए हैं ये लोग क्या करते हैं। मैं समझ रहा हूं कि इनकी जो टीम मैनेजमेंट है इनको भी रिजाइन देना चाहिए, चीफ सेलेक्टर को रिजाइन देना चाहिए, चेयरमैन को रिजाइन देना चाहिए, और साथ साथ डायरेक्टर डोमेस्टिक को भी रिजाइन देना चाहिए कि डोमेस्टिक के अंदर कोई नया प्लेयर नहीं लेके आ रहे, कोई नया सिस्टम लेके नहीं आ रहे, जो पहले सिस्टम था उसके लिए ना ये लोग कोई प्रपोजल देते हैं और ना ही कोई गाइडलाइन देते हैं, ये वो लोगों से इधर उधर से मशवरे करके और उनको बता देते हैं कि ऐसे करो वैसे करो, और बस वो नेशनल बैंक जो है वो आके जो नेशनल स्टेडियम का नाम नेशनल बैंक स्टेडियम रख दिया गया। कभी ऐसे हुआ है आप, जब शेख साहब आप लोगों का भी दौर था क्या कभी ऐसे हुआ है? ठीक है आप स्पॉन्सर हैं, वो स्पॉन्सर से बिल्कुल स्पॉन्सरशिप लें, मगर ये तो नहीं होता कि आपके जो नेशनल लेवल के स्टेडियम्स हैं उनके नाम चेंज कर दें। देखें पूरे सिस्टम को इन लोगों ने बेड़ा गर्क करके रख दिया, जलजला आ गया, कल पाकिस्तान
के हारने से आवाम बहुत मायूस हुई है। एक एक क्रिकेट ही तो पाकिस्तान के अंदर रह गई है। अगर उस क्रिकेट के अंदर भी हम जिम्बाब्वे जैसी टीम से हार जाएं और फिर अगर शान मसूद साहब ये कह दें कि हम तो जो है ना 13 ओवर तक मैच हमारे कंट्रोल में था, मेरे भाई 13 ओवर में तो मैच फिनिश करना था आपने, ताकि आप प्लस के अंदर जाते। मैं कह रहा हूँ कि दो चार मोटी मोटी बातें बताएं कि क्या होना चाहिए। दूसरी बात है, देखो ना विलियम है बॉलर, उनका उनका मजा रवानी है और गरावा है, और एक पार्ट टाइमर और है, क्या नाम है उसका, सिकंदर, उन्होंने यार आपको लटा के रख दिया, आप उनकी बॉलिंग नहीं खेल सके। ये गरावा जो है इनएक्सपीरियंस बॉलर है, ठीक है तकड़ा है और लंबा चौड़ा है और बॉल भी लेफ्ट आर्म है अच्छा कराता है, इनको पता नहीं लगा कि ये बॉलर है क्या। हालांकि मुझे लोग बता रहे थे कि गरावा और ये मज़ा रबानी, और फिर विलियम तो वो भी पार्ट टाइमर है। यार आप पार्ट टाइमरों से, मैं आपको बताऊं कि अगर एक क्लब हो ना, क्लब ऑर्गेनाइज अच्छा सा, हमारा डायमंड ही हो, सारे लड़के हमारे अवेलेबल हो, अमाद वसीम कप्तानी कर रहा हो, मैं इस जिम्बाब्वे की टीम को ना जीतने दूँ। आप क्या बात कर रहे हैं यार, पाकिस्तान क्लब है आपका कराची में, वो ना जीतने दे। पाकिस्तान में क्लब लेवल के जो क्रिकेट है वो इनसे बेहतर है। और फिर यार आपने 130 होता क्या है मुझे ये बताएं ना, पाकिस्तान टीम है, आपने क्या, मैं चाह रहा हूँ मोटी मोटी तीन चार बातें स्ट्रक्चरली आप बताएं कि पाकिस्तान क्रिकेट को आप किस तरफ लेके जाना है आपने। देखें पाकिस्तान क्रिकेट तो बाद में जाएगी जब सबसे पहले इनको हटाया जाएगा। सही। जब तक ये लोग यहाँ रहेंगे तो पाकिस्तान क्रिकेट इसी तरीके से चलती रहेगी जैसे चल रही है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जिम्बाब्वे के ऑर्डिनरी बॉलर थे सिकंदर समेत, इन बॉलर्स के सामने वो ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से मैच खेल रहा है या इंडिया से मैच खेल रहा है या साउथ अफ्रीका से मैच खेल रहा है। चलो अगर वो बड़ी टीम होती और पाकिस्तान इस तरह खेलता तो बात समझ में भी आती थी। एक जिम्बाब्वे की वो टीम जहाँ क्रिकेट बिल्कुल फिनिश हो चुकी है, जिस कंट्री के अंदर बड़ी मुश्किल से तो वो जोड़ तोड़ करके प्लेयर लेके आते हैं और उनके ऑर्डिनरी बॉलर्स को भी जो हम लोग इस तरीके से खेले, सब इसलिए हो रहा है कि टीम की सिलेक्शन सही नहीं हो रही है। ऊपर से रमीज आया साहब ये कह रहे थे, मुझे याद है कि यही टीम जो है वो वर्ल्ड कप जीत कर आएगी। यार आप क्या सोचकर बोल रहे हैं भाई, आप इसका मतलब तो ये हुआ कि जिस लेवल के आप प्लेयर थे उसी लेवल की आपकी मेंटेलिटी है। कमेंट्री करना, लेट सोया होगा तो लेट उठा होगा तो उसने उठ के ये कह दिया। जहीर साहब सब खत्म हो गया है, सब खत्म, ये पाकिस्तान के क्रिकेट इन्होंने बिल्कुल खत्म करके रख दिया है और इनका भी खात्मा होना चाहिए इस तरह, ठगा ठग खत्म। एंड देखें प्राइम मिनिस्टर साहब को डिसीजन करना होगा और मैं कह रहा हूँ कि ये वक्त है फैसला करने का, वरना पाकिस्तान जो क्रिकेट बची कुची है वो भी खत्म हो जाएगी। ये दूसरी यारियों में जो है टीम पाकिस्तान की बेड़ा गर्क हो जाएगा। ऊपर से रमीज आजा साहब जो है वो चाहते हैं कि टीम के प्लेयर नाराज ना हो, मेरी नौकरी चलती रहे, ऐसा नहीं हो सकता। उनको उनको इंटरनेशनल लेवल के ऊपर उनका फोकस ठीक है था, मगर वहां पर जीरो हो गए और डोमेस्टिक लेवल पे तो उनका फोकस ही नहीं है। डोमेस्टिक लेवल पे क्या डिसीजन हो रहे हैं, वो तो लगा हुआ है जही साहब, वो तो लगा हुआ है पीजीएल और ये लड़के और ये क्लिपें बना रहा है कि जी ये लड़के पाकिस्तान और ये पूल बनेगा और ये सारी फैंटासी, सारे लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है वो। कुछ लोग बेवकूफ़ थोड़ा है, लोग तो बड़े सियाने हैं क्रिकेट में, आपको पता है। ये क्या पीजीएल की पीजीएल तुमने लगाई हुई है रमीज राजा, बंदा इससे पूछे एक क्या क्या है क्या ये पीजीएल, क्या ऐसे मजाक बनाया हुआ है पाकिस्तान की टीम। उधर आप देखें कि पाकिस्तान ए के टूर होते थे, कहाँ है वो टूर, वहाँ से लड़के दो दो महीने जाते थे, ऑस्ट्रेलिया जाते थे, वहाँ से लड़के बनते थे। हाई परफॉर्मेंस सेंटर आपने क्या बनाया हुआ है, हाई परफॉर्मेंस सेंटर से ज़्यादा मंटो पार्क में क्लबों के नेट अच्छे लगते हैं, जाके आप देख लें, उधर भी देख लें उधर भी देख लें। ये नदीम खान हो गया, ये क्या कर रहा है सारा, जुनेद ज़िया, सारी तबाही, सिर्फ सियासत करनी है, चार साल से सिर्फ इन्होंने सियासत की है, सिर्फ लोगों को विक्टिमाइज़ किया है, जेन्युइन लोगों को विक्टिमाइज़ किया है। और अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है, आने वाली है, आप देखें कि इनका क्या असर होता है। डिपार्टमेंट आपने, जही साहब आपने भी तैयारी की है कि नहीं, प्राइम मिनिस्टर ने ऑर्डर कर दिया है डिपार्टमेंट का, अब डिपार्टमेंट हो, 8 डिपार्टमेंट की टीमें हों, 8 रीजन की टीमें हों, नीचे स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है, और बेहतरीन निज़ाम हो, और अपना क्या नाम है इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा अच्छा हो, ग्राउंड अच्छी हो, ये तो एक पूरा पैकेज है जो आपने बनाना है। आपका तजर्बा है, आप बताएं, आपने भी स्टेट बैंक का उधर ग्राउंड बनाया, बड़ा अच्छा था, और कराची में और भी बने हैं। मुझे दो चार मोटी मोटी मैं दोबारा कह रहा हूं कि बातें बताएं कि पाकिस्तान क्रिकेट को अब किस तरह रास्ते पे लाना, इनको तो निकालना है, ये तो गए, ये तो थोड़े से दिन, हफ्ता 10 दिन रह गए क्या, मेरा ख्याल है कि 3 तारीख को शायद मेरा ख्याल उससे मैच आया साउथ अफ्रीका से, उसके बाद एक बांग्लादेश रह गया आपका, और लोग पहले ही कह रहे थे। जहीर साहब का क्या इसमें ओपिनियन है? शेख साहब देखें पहली बात बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि ये बस 2-3 पाकिस्तान के जो मैच हैं, इसके बाद जो है वो
पहली बात तो सेमीफाइनल में क्वालिफाई करना इतना आसान नहीं है कि आप तीन मैच जीते हैं फिर एवरेज आपकी हो, फिर साउथ अफ्रीका हार जाए और फिर आप जीते हैं, ये तो मुझे लगता है कि कोई अजूबा ही हो जाए तो हो सकता है वो ठीक है। अच्छा रही बात ये है कि देखिए क्रिकेट सिस्टम पुराना आना चाहिए दोबारा से, 8 डिपार्टमेंट जो थे पहले 8 रीजन थे, फिर उसी तरीके से जो है वो 10-12 डिपार्टमेंट ग्रेड 2 खेलते थे और 8-10 जो रीजन जो ग्रेड 2 खेलते थे, तो क्रिकेट एक होती थी और प्लेयर्स को जॉब भी मिलती थी, और दूसरी बात यह है कि प्लेयर्स रीजन से भी खेलता था और प्लेयर्स डिपार्टमेंट से भी खेलता था, तो उसे क्रिकेट बहुत ज्यादा मिलती थी जिसकी वजह से उसको अपनी फिटनेस का ख्याल रखना होता था। सही है, जब फिटनेस का बंदा प्लेयर ख्याल रखेगा तब जाके इंटरनेशनल क्रिकेट में भी जाके फॉलो करेगा इस चीज को। मगर अब यह है कि 6 टीमों की क्रिकेट रह गई है यहाँ पर, और 6 टीमों के अंदर भी आप मुझे ये बता दें कि कोई नया टैलेंट नजर नहीं आता। रही अंडर 19 अभी इन्होंने PSL जो करवाई है, इसके अंदर इसका क्या फायदा मुझे बताएं? पहली बात तो ये है कि क्या हमने सिर्फ खिलाड़ियों को 20 ओवर की क्रिकेट तक महदूद करना है, कि हमने टेस्ट क्रिकेट या 50 ओवर की क्रिकेट बिल्कुल खत्म कर देनी है, जबकि आपको पता है कि हुसन है वो, और T20 क्रिकेट ओनली फनी क्रिकेट है और असल क्रिकेट ही जो 5 रोजा मैच है और 1 डे मैच है, मगर उसको जो है अगर क्या ये जो दुनिया की जो कंट्रीज हैं, क्या इंडिया इतना जो है स्पॉन्सर कर रहा है, क्या इंडिया बेवकूफ है, क्या वो ये टूर्नामेंट नहीं करवा सकता था अंडर 19 का? क्यों नहीं करवाया? इसलिए नहीं करवाया उसको पता है कि इसका कोई फायदा नहीं है उनके मुल्क के क्रिकेट को। देखें बात यह है कि हमें आज दोबारा मैं आपको ये बात कह रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर को डिसीजन करना होगा, पूरा सेटअप चेंज करना होगा, वरना जो पाकिस्तान की क्रिकेट जो जहाँ है वहाँ बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और आपने बिल्कुल सही कहा कि NCA के अंदर क्या काम हो रहा है, देखें NCA में काम हो ही नहीं सकता, जो लोग वहाँ बैठे हैं उन्होंने अपने डिपार्टमेंट की क्रिकेट बंद करवा दी थी जब डिपार्टमेंट क्रिकेट उस वक्त बंद नहीं हुई थी, उनके अंदर मैनेजमेंट क्वालिटी ही नहीं है। देखें NCA चलाने के लिए सबसे पहले मैनेजमेंट क्वालिटी होती है, डोमेस्टिक चलाने के लिए आपने किसी सिस्टम में काम किया हुआ होता है, जिस सिस्टम को आप चला रहे हो उस सिस्टम को ही आप बंद करवा दें, इसका मतलब ये है कि आप सिस्टम के लिए एलिजिबल ही नहीं है चलाने के लिए। तो मैं समझ रहा हूँ कि कॉम्पिटेंट और काबिल लोगों को वहां पर लाया जाए और पूरे सिस्टम को चेंज करके। शेख साहब मुझे ब्रेक पे जाना होगा, जहीर साहब हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन यहाँ बात करें पाकिस्तान और इंडिया और स्पेशली जिम्बाब्वे के मैच के हवाले से, पाकिस्तान की शिकस्त के हवाले से, वर्ल्ड कप में पाकिस्तान आगे मैचेस मजीद कैसे खेलेगा इस पर डिस्कशन करेंगे, लेकिन वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक, बात कर रहे हैं पाकिस्तान की और जिम्बाब्वे से, पाकिस्तान को शिकस्त के हवाले से, 1 रन से पाकिस्तान ने शिकस्त खाई और शायद पाकिस्तान के लिए बड़ा अजीबोगरीब ये दिन होगा जिस दिन पाकिस्तान वर्ल्ड कप में जाके जिम्बाब्वे से 1 रन से शिकस्त खाएगा, किसी को भी यकीन नहीं था इस बात पे। बात कर रहे हैं इस हवाले से शकील शेख साहब के साथ। शेख साहब, पाकिस्तान को शिकस्त हुई है, हमने गलतियाँ भी बहुत सारी की हैं, बल्कि ज़हीरुल हसन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी तरफ बढ़ेंगे। पहले मैं सवाल कर लूँ आपसे, जब शाहीन शाह आफरीदी के हवाले से PCB ने बयान दिया था कि वो 90% फिट हैं, रमीज राजा ने बयान दिया था, तो आपने यहाँ पर डिस्कशन की थी, उस वक्त कहा था कि शाहीन शाह आफरीदी फिट नहीं है, आकिब जावेद ने भी कह दिया। सुने, मैं तो पहले दिन से फॉलो कर रहा हूँ, जिस दिन से ये इंजर्ड हुआ था जुलाई में, ठीक है, मैंने ही सारे सोशल मीडिया पे किया है, मैंने ही उसका एनालिसिस किया है, किसी ने नहीं किया पाकिस्तान में, ठीक है। अच्छा, कई लोग इसलिए नहीं करते कि चलो जी बोर्ड नाराज होगा, कई लोग देखे, मुझे तो लड़के की यह नेशनल एसेट है, मुझे तो इसकी फिक्र है, इस तरह के बॉलर बहुत कम आते हैं पाकिस्तान। आई विश ऑल द बेस्ट फॉर द मैन, ठीक है, फॉर द बॉय हिज फैमिली, मुझे इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जब आपका पूरा मैकेनिज्म ही गलत है, मेडिकल टीम को बंदा पूछे, ट्रेनर को पूछे, वो ट्राइकस और ये सारे क्लिफी ट्रेनर, इन सारों ने मिल के ये सारा किया, और उसके ऊपर एक नालायक और नकम्मा चेयरमैन रमीज राजा जी, जिसको इन चीज़ों का पता ही नहीं है, वो कहता तो है मैं क्रिकेटर हूँ, यार तुम्हारे 4 बयानों से या 4 क्लिप बनाने से, TV पे आने से तो नहीं होता, इंतहाई इनकम्पिटेंट नकम्मा और नलायक आदमी, और इसको शर्म आनी चाहिए। मेरे जैसा बंदा वहाँ होता, मैं 2 मिनट में शहनशाह को उसी दिन से शुरू कर देता, उसको फिर नीदरलैंड ले गए, फिर आपको याद है उसको दुबई ले गए, फिर मैंने क्लिप बना के दिए कि ये देखो बॉलिंग कर रहा है, इसका रनअप ठीक नहीं है, और ये नी का ना, मैं आपको बताऊँ, नी और बैक जो है ना इंसान की, ये बहुत क्रॉनिक है, ये किस्मतों से ठीक होती है, सही, ये मैं आपको बता दूँ। अब कल भी रन ले रहा है, आपने क्लिप देखा है कि सेकंड रन वो भाग ही नहीं सका, हाँ। और रन आउट भी हो गया, पाकिस्तान को नुकसान भी हुआ, नुकसान हुआ, मगर इनकी जो मेडिकल टीम है अपनी नौकरियां पक्की करने के लिए जबरदस्ती जो भी कुछ करके ये कहते हैं कि किस तरह खेल जाए, हम एग्जोनरेट हो जाए, हमने जी बंदे को ठीक, भाई आप नहीं कर सकते, डॉक्टर नैज हो, डॉक्टर जफर हो, जो लंदन में बैठे, जहाँ पे ये गया है, मैंने उस वक्त कहा था कि पहले तो आपने मेडिकल टीम ने, फिर रीऐप करना, बड़ा लंबा रीऐप होता है, ठीक है, फिर कंपटीशन लोडिंग करनी है, मैंने उस वक्त कहा था कि ये 6 महीने 8 महीने लगेंगे, इन्होंने जल्दी से उसको खिला दिया, सही है।
अच्छा लड़के का भी ये टू दी एक्सटेंड के वो भी खेलना चाहता था, वर्ल्ड कप है जाहिर है आदमी के, लेकिन आपने अपने नेशनल एसेट को बचा के रखना है। इन्होंने शहनशाह के केस में बिल्कुल क्रिमिनल नेगलिजेंस की है, मैं आपको बताऊं। ठीक है, क्रिमिनल नेगलिजेंस दो चीज़ों में हुई है, एक क्रिमिनलिटी इन्होंने की है ये पाकिस्तान जूनियर में की है, एक यहाँ पे की है। सही है, फिर आपको पता है नसीम शाह ठीक है, और उस्मान कादर था वो हो गया, फखर जमान को देखिए, फखर जमान को आप देख लें अभी तक ठीक नहीं हुआ, साथ लेके उसकी रिप्लेसमेंट भी ले ली जी, जी। उसको भी साथ लेके रिप्लेसमेंट वाले को भी साथ लेके, एक कंफ्यूज सा बोर्ड है, दिमाग इनका खराब हुआ है, कंफ्यूज सा बोर्ड है, कंफ्यूज से लोग हैं, छोटे छोटे लोग हैं और इनकम्पिटेंट लोग हैं ये ऊपर आ गए हैं। 15 के स्क्वाड में 3 लोग आपके अनफिट हैं, ठीक है, तकरीबन 3 लोग आपने कह लें, अब कैसे आप वर्ल्ड कप खेलेंगे, क्या करेंगे, मतलब इतनी ज्यादा मैनेजमेंट करती क्या है? पाकिस्तान क्रिकेट के साथ जितनी इन्होंने ज्यादा की, पहले एहसान मानी ने की है, वो तो था ही इनकम, उसको तो क्रिकेट का तल्लक ही नहीं था, सही, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, दो जमा दो किए, लोगों को विक्टिमाइज किया, इन्होंने उसको कंटिन्यू किया, अनडेमोक्रेटिक अनइलेक्टेड सिस्टम है सारा आपका, नीचे से उन लोगों का इंटरेस्ट ही को नहीं, उनको उधर मिल गए हैं 6 एसोसिएशनों को, उनको परवाह ही को नहीं, किसी को पता ही नहीं डोमेस्टिक हो रहा है नहीं हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, कौन खेल रहा है कौन नहीं खेल रहा, ठीक है, और जो खेल रहा है उसकी वैल्यू कोई नहीं है, आपके पास लड़के ही नहीं है, लड़के आपने तैयार ही नहीं किए हैं और आप वर्ल्ड कप में जा रहे हो, ठीक है। देखो इनका तो पूरा पोस्टमार्टम होना चाहिए इस बोर्ड का, इसकी बोर्ड के सारे डिसीजन को, इनकी प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। और मैं आपको बताऊँ नहायत ही निकम्मे, और पाकिस्तान के लोगों का दिल दुखाया है इन्होंने, यार इनको माफी कैसे मिल सकती है, मुझे आप बताएं। बिल्कुल ठीक है, जहीर हद हो गई यार, वैसे जहीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जहीर साहब क्या कहेंगे इस हवाले से, मैं बड़ा मुश्किल सा सवाल करने लगा हूँ आपसे, बाबर आजम की कप्तानी के ऊपर बहुत सारे सवाल आते उठ रहे हैं, मैनेजमेंट के ऊपर तो उठ ही रहे हैं, लेकिन बाबर आजम आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान के पास बाबर आजम के अलावा क्या ऑप्शन है कप्तानी के लिए? देखें बाबर, देखें एक बात याद रखें, इमाद वसीम को आपको पता है टीम से क्यों निकाला, इसलिए निकाला कि उसका नाम कप्तानी के लिए चल रहा था, ये कभी भी उस प्लेयर को नहीं खिलाएंगे जिसका नाम कप्तानी के लिए चल रहा होगा, बाबर आजम कप्तानी के लिए एलिजिबल ही नहीं है। सही, देखें बाबर आजम की कप्तानी की वजह से उनकी बैटिंग के ऊपर भी जो फर्क आ रहा है, और बाबर आजम अगर कप्तान नहीं होते तो मेरे ख्याल T20 टीम का प्लेयर भी नहीं होते, वो सिर्फ वनडे और 5 रोजा मैच के प्लेयर होते हैं, इनको इमाद वसीम को अंदर लाना होगा, इसको इनको आगे क्रिकेट के लिए जो है अभी कुछ सोचना होगा। देखें रिजवान जो है वो, आप एक चीज देखें कि रिजवान सिर्फ अपने दोस्तों को टीम के अंदर लेकर आते हैं, आप रिजवान को अगर कप्तान बनाएंगे तो 11 के 11 उनके दोस्त खेल रहे होंगे टीम के अंदर, आपको किसी फेयर बंदे को जो है लाना होगा, और बिल्कुल सही बात है कि 90% जो है ये तो चेयरमैन ने कहा था कि वो जो है फिट है, और 10% नहीं है, तो जब तक इतनी बड़ी क्रिकेट उस वक्त तक नहीं खिलाई जाती जब तक बंदा 100% फिट ना हो। क्या रमेश राजा साहब को नहीं पता इस बात का कि 100% जब तक फिट ना हो इतनी बड़ी क्रिकेट कैसे खेलेंगे? तो फिर उन्होंने कैसे उसको खिला के, पाकिस्तान के साथ भी ज्यादती की, शाहीन के साथ भी ज्यादती की, क्योंकि इन फ्यूचर जो है शाहीन मजीद इंजर्ड हो जाएंगे, फिर फखर जमान को आपने वहां बिठाया हुआ, ऐसा लग रहा है पिकनिक के लिए दोस्त यार बुलाए हैं सारे, एंजॉय कर रहे हैं शाम को जो है गप्पे मार रहे हैं, और ग्राउंड के अंदर जाके आवाम का दिल दुखा रहे हैं, बहुत दुखी है आवाम हमारी, और बिल्कुल आप देखें कि हम जब से अब ये जिम्बाब्वे से हारे हैं, आप यकीन करें कल रात को दोस्तों ने डिस्कशन करना पे छोड़ दिया, पाकिस्तान क्रिकेट पे क्या बात करें। बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो गया जहीर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, हमारे साथ मौजूद थे क्रिकेट एनालिस्ट शेख साहब, बात को आगे ज़रा बढ़ाएंगे, मैं ज़रा कोई बयान शामिल करना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ ज़रा कमेंट कीजिएगा आप उन पर, आकिब जावेद कह रहे हैं कि चीफ सेलेक्टर को और मैनेजमेंट को घर जाना चाहिए, और उनका वही बात कि 3 लोग तो शाहीन शाह अफरीदी और फ़खर और उस्मान कादर तो पहले ही इंजर्ड है, और साथ में उन्होंने बाबर आजम की कप्तानी के ऊपर भी बड़े सवाल उठाए, आकिब जावेद की बात ये ठीक है, जब बाबर को लगाया रमीज आया था तो उसने कहा जी कि आपको पता उससे पहले लगा हुआ था वर्ल्ड कप जो वही में हुआ, तो इसने कहा जी कि सीख रहे हैं यंग हैं ठीक है ओके आप सीख रहे थे, वो भी गया, फिर आप आ गए एशिया कप में वो भी गया वो भी आप हार गए, अब ये वाला ये भी मुझे हाथ से निकला तकरीबन निकल गया है, तो कब तक ये करना है, सिखाना है तो किसी को सिखा दे, नवीद साहब को ले जाए जी सिखाएं, जी बिल्कुल हमें वैसे भी शौक है क्रिकेट खेलने का, वैसे भी शौक है तो ठीक है इनको सिखाएं, अगर जाके आपने मतलब ऑन जॉब सीखना है पहले आपको सिलेक्ट करें फिर आपको सिखाएं, सही नहीं भी नहीं आप तकड़ा हो, मैंने कहीं किसी जगह कहा भी है कि जी वो कह रहे हैं रमीज राजा जी, दो तरह के कप्तान होते हैं ना, एक तो रमीज राजा जी अच्छा सीख रहे हैं हम इनको पूरी पावर देते हैं हम इनको बैक करते हैं, एक होता है कि वो छीनता है हफीज कारदार की तरह, सही है हाँ जी मैं कप्तान हूँ मेरे पास पावर है मेरे पास अथॉरिटी, आप लोग जरा साइड पे रहें मैं खुद ही बना लूंगा खुद ही टीम जितवा दूंगा मुझे पता है मैंने क्या करना है,
तो दो तरह के स्कूल ऑफ थॉट थे। सही। एक ये स्कूल ऑफ थॉट है, आप जितने मर्जी इंजेक्शन दे दें बाहर से बैठे हुए, देखें क्रिकेट खेल ऐसा है ग्राउंड में आपने खेलना है। सही। और वहां पे कप्तानी करनी है, वहां आपकी डिसीजन मेकिंग मैटर करती है। ठीक है। लेकिन मेरी इत्तला में तो जो सारी टीमें हैं वो चेयरमैन खुद बना रहा है, वो ऐसे ही मार रहा है। वसीम तो एक मतलब उनसे डमी है, वसीम को का, और वसीम का रखना मुझे बताएं किस लिए आपने रखा हुआ है? सिफारिश है कोई? या सिफारिशों को छोड़ें, पाकिस्तान का सोचें, आप क्या बातें कर रहे हैं यार। ठीक है। और वसीम का क्या काम है? वसीम को तो पता ही नहीं इन चीज़ों का, और आप खुद ही सारी टीमें बीच में इंटरवीन करते हो और प्रेस में आके कह देते हो कि नहीं जी वो मैं तो इंटरवीन नहीं कर रहा। चेयरमैन का ही राइट है, टीम को अप्रूव करना चेयरमैन का है, बोर्ड पे कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है। मेरा तो ख्याल है सारों को लपेटा दें आप, नवीद साहब ये आज सफाई करें, इनको लपेटा दें, नया लाएं, 2014 वाला कॉन्स्टिट्यूशन बहाल करें, एसोसिएशनों को बहाल करें, लोगों को इन्वॉल्व करें, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करें, और पाकिस्तान टीम को अब दोबारा ना सिर्फ रिफॉर्म रीबिल्ड करने की ज़रूरत है, पाकिस्तान क्रिकेट पूरी को रीबिल्ड करने की। सही है। ये जो 2018 के बाद तबाही हुई है पाकिस्तान क्रिकेट की, और जिन लोगों ने की है इन लोगों को कटहरे में लाना चाहिए, इनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है। भाग के चाहे इंग्लैंड जाएँ चाहे कहीं जाएँ, इनको या मैदान में लाना चाहिए। ठीक है शेख साहब, T20 वर्ल्ड कप से मुतल्लिका तो बात करेंगे, लेकिन बात से बात आई है, मैं ज़रा पूछना चाहूँगा, वज़ीर आज़म ने ऐलान किया था डिपार्टमेंटल क्रिकेट की बहाली का, तो उस डिपार्टमेंट के हवाले से कोई अपडेट है जो? नहीं, वो तो देखें अब डायरेक्शन जो है ना फेडरल गवर्नमेंट से चली गई है, सारे डिपार्टमेंट को भी चली गई हैं, क्रिकेट बोर्ड को भी चली गई हैं। अच्छा, ये जो क्योंकि रमीज राजा आपको पता है कि ये किसी और थ्योरी का है, इनके लोग हो रहे हैं, ये जान के डिले कर रहे हैं, वो जी हमें ये भाई आपको इंस्ट्रक्शन चली गई हैं, आप डिपार्टमेंट को कहें कि अपनी टीमें बनाएं, हमारे से रजिस्टर कराएं, रूल्स रेगुलेशन बनाएं, और आप डिपार्टमेंट को फौरी तौर पर लड़कों को जॉब मिलेगी और क्रिकेट दोबारा से रिवाइव होगी। लेकिन इसने नहीं करना, वो तो इंशाल्लाह हम आगे करेंगे, आपको मैं बताऊँगा। सही है। और ऐसे दिनों में रैपिड स्विफ्ट तरीके से एक्शन लेंगे, सारे करेंगे, आप देखें बड़ी अच्छी टीम बन रही है। क्रिकेट बोर्ड को हमने तो उड़ा के रख देना, ये कौन रमीज राजा ने किया? वो कमेंट्री के लिए मिनते करने वाला यार बाहर बैठा हुआ, मुझे वो खालिद महमूद चेयरमैन कह रहा था चार चार घंटे बाहर पीसीबी के मेरे दफ्तर के स्टूल पे बैठा होता था, ये स्टूल पे पता ना आपको कौन बैठते हैं, जी स्टूल पे बैठा हुआ इंतजार करता था। इसने क्या और ऐसे पढ़ के मार रहे हैं, सोशल मीडिया दो बयान दे दिए, दो फलाना कर दिए। देखे वीएलएस आदमी है, इनकम्पिटेंट है, नकम्मा है, और इसको तो बिल्कुल इनको चाहिए इसका घिराव करना चाहिए एसोसिएशन और लोगों को। सही, सही। और सारा सिस्टम जो है एडाक पे चल रहा है आपका, यानी कि इंटरम और एडाक बनाई हुई है, टाउट्स आपने लगाए हुए हैं, सियासी लोग लगाए हुए हैं, सियासी तौर पे लोगों को जो जेन्युइन स्टेक होल्डर है उनको बाहर रखा हुआ है। आपको याद नहीं, आप देख नहीं रहे कि MRC हमारे क्या कर रही है पूरे पाकिस्तान में? जी। सारे आवाज़ उठा रहे हैं, चाहे वो नुमान भट्ट साहब हों, चाहे वो तारिक सरवर साहब हों, चाहे तालपुर साहब हों, तनवीर साहब हों, अनीस साहब हों, सारे जितने भी हमारे लोग हैं पिंडी से, इस्लामाबाद, पूरे सिंध से, और सारी बड़ी बड़ी, देखो अभी तो बहुत शोर मच रहा है, मैं आपको बताऊं पूरे फेडरल गवर्नमेंट में ये हंगामा मचा हुआ है कि यार ये क्या हुआ, जिम्बाब्वे जैसी टीम यार। वो जिम्बाब्वे के सदर ने ट्वीट किया, किसी टीम से हारे हैं, चलो आदमी कहे यार मुझे उसने हराया है, अच्छी टीम थी, चलो मैं भी स्ट्रगल की, वो भी उसने भी स्ट्रगल की, हमने मेहनत की, जिम्बाब्वे जैसी टीम और इतना कम स्कोर पे। अच्छा, एक और बात में, जिम्बाब्वे इस हार का जवाब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ को देना पड़ रहा है। जिम्बाब्वे के सदर ने ट्वीट किया बाकायदा, और भी शहबाज़ शरीफ ने उन्हें, जी शहबाज़ शरीफ ने फिर प्रॉपरली उन्हें रीट्वीट किया और उन्हें जवाब दिया आगे से, मतलब हार है जो जिम्बाब्वे से हार बर्दाश्त हजम हो ही नहीं रही। इंडिया के साथ प्राइम मिनिस्टर एक लेवल है, प्राइम मिनिस्टर का पैटर्न है, क्रिकेट बोर्ड के भी पैटर्न है, तो जिम्बाब्वे के प्रेसिडेंट ने कर दिया था जवाब, उन्हीं से बनता था तो अच्छा जवाब दिया, जी बिल्कुल अच्छा जवाब दिया, सेव किया, अच्छी बात है कि भाई इस लेवल पे तो खैर लेवल जरा और है, प्रेसिडेंट कहाँ और प्राइम मिनिस्टर वगैरह कहाँ, लेकिन असल में तो अकाउंटेबिलिटी प्राइम मिनिस्टर को चाहिए, पैटर्न को चाहिए कि फौरी तौर पे इन लोगों की, हाँ जी बिल्कुल इन लोगों को। और दूसरी बात यह है कि ये जो दोनों है असद अली खान और रमीज, ये प्राइम मिनिस्टर के नाम ही नहीं है, यही दोनों तबाही कर रहे हैं। ठीक है। और मैंने, मुझे अंदर की खबरें हैं, वो एक खातून है आलिया जफर, वो भी सुना है, वो भी एक सियासी पार्टी के साथ तकरीबन मिली हुई है, वो भी सारी गड़बड़ कर रही है। अच्छा। और सारे पाकिस्तान की क्रिकेट को खराब कर रहे हैं, ये वहाँ डिसीजन मेकिंग ही सारी गलत है। ठीक हो गया। ये जो जितने लोग हैं सारे के सारे, इसमें सलमान नसीर है, जाकिर खान आपको पता है कि किसका टाउट है, पर्सनल मुलाजम है, बूट पार्शिया है, ठीक है, नदीम खान को देखें, ये जुनेद ज़िया, ऐसे खाम खान लोगों में लगे हुए हैं, वो जी चीफ सेक्रेटरी सोमल के साथ मिलके ये हमने कर दिया, क्रिकेट करा दी, हाँ। कर दिया, स्कूल करा दिया। यार कोई लड़का तो दो ना पाकिस्तान को, ताकि लोग देखें कि हाँ ये लड़का आया सिस्टम से, इसने ये किया है।
वो समी बर्नी जो है वो लगा हुआ है डायरेक्टर मीडिया। अच्छा ये कहते थे हमारे पास 15-20 एक लड़के हैं जो बड़े फास्ट बॉलर्स हैं, मुझे तो कोई नजर नहीं आ रहा कहीं पर भी। एक आप शाहिन शाह अफरीदी अनफिट हो गए हैं, तो हमारे पास लड़का कोई नहीं है जिसको हम स्क्वाड के अंदर डाल के या टीम के अंदर डाल के मैच खिलवा दें। को 15-20 लड़कों की बात कर रहे थे कि डोमेस्टिक से इन्होंने कोई ग्रूम किए हैं, बच्चे निकाले कोई। गप्पे मारो, हाई फ्लाई, ठीक है जी, बिग माउथ्स होता है ना वो वाली, ऐसे मारे बैठे कह दिया टीवी पे जाके, और एक्चुअल जो ग्राउंड पे जब आते हैं जी तो आपने रिजल्ट देख लिया। नवी साहब बहुत मतलब कौम गुस्से में है, हमारा तो चलो हम तो तबसरा निगार हैं, हम तो ठीक है तबसरा करना है और मतलब एक अच्छे तरीके से करना है, हमारा तो कुछ आप लोग बाहर निकले लोग ईमान से बहुत बहुत बातें कर रहे हैं, ऐसे ही है, सुनी ऐसे ही नहीं है। जा रही। और क्योंकि हम लोग भी क्रिकेट में इन्वॉल्व हैं तो वो समझते हैं कि जी ये भी बोर्ड के साथ है। भाई बोर्ड मेरी तरफ से जिस बोर्ड को आज फारग करें आप, रमीज राजा को और सारों को जितने लोग यहाँ बैठे हैं और ये सारे नॉमिनेटेड लोग हैं, एक भी इनमें इलेक्टेड आदमी नहीं है, ठीक है और ये अपने आप को पता नहीं क्या समझ रहे हैं। शेख साहब जरा मेरा तो ख्याल है इनको फौरन इनको किक मारे, किक इन द बैक। वो बिल्कुल आपने अंग्रेजी में सुना था ना, कैसे जाएंगे सेमीफाइनल में, इस पर ज़रा बात कर लेते हैं। पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस क्या अभी बचे हुए हैं? पाकिस्तान को तीनों मैच जीतना होंगे, और दूसरी तरफ से साउथ अफ्रीका को जीतना होगा इंडिया से, और अगर साउथ अफ्रीका हार जाता है इंडिया से दिन जो दीगर दो मैचेस हैं उसमें नदरलैंड को अफ्रीका को हराना पड़ेगा और भारत को जिम्बाब्वे से हारना पड़ेगा दिन। मगर मतलब अगर मगर में हम आ गए अभी दो मैच के बाद। नहीं जी वो तो जिम्बाब्वे नहीं कंट्रोल हो रही। अच्छा इनको देखो प्रोबेबिलिटी एक ही है कि तीन ये मैच जीत जाए हाँ और साउथ अफ्रीका दो मैच हार जाए, यानी इनसे भी हार जाए इंडिया से भी हार जाए, ठीक है तो उसका एक पॉइंट क्योंकि बारिश की वजह से वैसे गया हुआ है। जी अगर साउथ अफ्रीका जो है उसके ऑलरेडी 3 पॉइंट हैं, अगर वो दो मैच जीत गया तो वो तो 7 पे चला जाएगा, इंडिया दो और जीत गया तो इंडिया 8 पे आठ चला चला जाएगा, जाएगा जी। तो फिर आपका चांस है ना एलिमिनेट हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो कंट्रोल नहीं, जिम्बाब्वे नहीं हो रहा। हाँ मैं तो कह रहा हूँ सर अभी तो बांग्लादेश भी इनसे है जीत गया जी। है, जिम्बाब्वे नीदरलैंड से ठीक है दो दो मैच तो हुए हैं जी, और एक बांग्लादेश को किसी को हरा दे वो भी 6 पे चला जाएगा जी, ऐसे ही है। तो ये प्रोबेबिलिटी जो है ना ऐसे ही, ये हो जाए तो ये हो हाँ जाए तो ये, यार वैसे शर्म आनी चाहिए जिम्बाब्वे से हारने के बाद आपको तो वैसे। वैसे वैसे आपके जहन में भी क्या है, क्या आप सेमीफाइनल में जाते हुए दिख रहे हैं अपने आपकी टीम को देख रहे हैं? 0.00% चांसेस हैं कोई? 0.001% आप अरे कह लें, सही मतलब एक बहुत 1% आप समझ लें, इस तरह करके कर लें, बड़ा मुश्किल चांस है। और मैं आपको ये बताऊं, आप देखें तो सही कि साउथ अफ्रीका क्या क्रिकेट खेल रहा हाँ। है, बांग्लादेश को क्या मारा है उन्होंने, आपने देखे वो नोकिया को कौन कंट्रोल करेगा है, वो बिल्कुल रैली रोसो जी सो बिल्कुल कर गया। आप उनके क्रिकेट तो यार देखें कि वो कैसे खेल रहे हैं, आप ऐसे ही बैठे बैठे कह रहे हैं अच्छा जी उनके साथ सब कुछ हो जाएगा, दूसरी आपके साथ नहीं होगा, बारिश हो जाएगी उनकी, वो तो बारिश आपके नहीं हो सकती यार, बिल्कुल ये क्या बात हुई भाई, अपना भी तो देखो। अच्छा वो जी सारे मैच हार जाएं हम सारे जीत जाएं, क्यों आप जिम्बाब्वे से हार रहे हो और आप बड़ी टीमों को कह रहे हो कि वो हार जाए, बताओ। बाबर आजम कह रहे हैं कि वो कम बैक करेंगे और उन्होंने गलत क्रिकेट खेली नहीं, उस दिन और देखो कप्तान का ये रोल है, बाकी सो रहा मैं भी वहाँ आज आग नजर होता, मैं भी कहता कि जी अच्छा ठीक है जी चांस है, मैजिक हो सकता है, बड़ा ये हो सकता है, मेरा भी मैं होता मैंने भी यही कहना था, सही है। लेकिन चांसेस है ना वेरी वेरी डिम चांस, ठीक है। अच्छा बात करेंगे ज़रा, शुएब मलिक कहते हैं कि बाबर आजम उनके कैप्टन हैं और पाकिस्तान के लिए वही होना चाहिए जो बेहतर है। शुएब मलिक के हवाले से काफ़ी कंट्रोवर्सी थी, उन्होंने कहा कि वो उन्होंने वो बयान नहीं दिया, वो सलीम मलिक साहब ने एक बयान दिया था बाबर आजम से रिलेवेंट, तो उन्होंने बयान नहीं दिया। शुएब मलिक के हवाले से आप समझते हैं ना शुएब मलिक की जगह बनती थी टीम में? नहीं शुएब मलिक को, इमाद वसीम को, सरफराज को, मिडल ऑर्डर इतना वीक है जी तो उसकी जगह बनती थी, फिर आप सरफराज को लेके जाते साथ, फिर इमाद वसीम को लेके जाते, ये तो 3 प्लेयर लाजमी थे। और ये 3 प्लेयर आप देखें लिखा हुआ, आप देखें कि शुएब मलिक सरफराज और अमाद आपका मिडल ऑर्डर और डाउन द मिडल ऑर्डर अच्छा खासा तगड़ा लगता है, बिल्कुल लगता कि नहीं, तजर्बा भी है कम से कम फील होता है कि यार आप ना खेल सकेंगे, हाँ जिम्मेदारी के साथ खेल सकेंगे। शेख साहब क्या कहेंगे आज से, बल्कि आज दो मैचेस थे और दोनों मैचेस हैं जो वो ड्रा हो गए, आज अफगानिस्तान और ड्रा हो गए या मतलब बारिश हो गई, बारिश की वजह से और अफगानिस्तान और आयरलैंड और ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड अबंडेंट हो गए दोनों जी, और एक एक पॉइंट दोनों को दे दिया गया। वर्ल्ड कप को डिस्टर्ब कर रही है बारिश, इतना बड़ा इवेंट होता है। कहा भी है कि वो प्री सीजन में ना ये खेल रहे हैं वर्ल्ड कप, ऑस्ट्रेलियन का मसला ये है कि इनका सीज़न शुरू होता है ना वो नवंबर के 3rd-4th हफ्ते से शुरू होता है और फिर जनवरी में जाकर ये पीक होता है इनका।
अच्छा, लेकिन मज़े की बात ये, आप कहेंगे जी पहले क्यों करा दिया, आईसीसी का वर्ल्ड कप है जी, पहले कहाँ पर एक अच्छे गंदे मौसम में करा दिया, अच्छे मौसम में करा। सही, ये ऑस्ट्रेलियन जो है ना, ये बड़े कन्वेंशनलिस्ट हैं इस मामले में कि उन्होंने जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर बनाया है, जो डेट्स दी हैं या बायलेटरल सीजन, उसको ये आगे पीछे नहीं करते। सही, ये आईसीसी का इवेंट हो कोई हो, लिहाजा उन्होंने पहले शुरू करा दिया। जब पहले शुरू कराया दिया है, अभी देखें आप, सर्दी भी बड़ी है वहाँ पर, बारिशें भी हो रही हैं, प्री सीजन है, विकटें भी इतनी अच्छी नहीं है। सही, ये जैसे नवंबर में जाएंगे, 10-15 नवंबर के बाद ये फिर बड़ा अच्छा प्रेजेंट हो जाएगा, खेल भी बड़ा अच्छा होता है, विकटें भी बड़ी कम्पैक्ट हो जाती हैं, लोग भी बहुत आते हैं और वेदर भी बड़ा ठीक हो जाता है। सही है, तो उन्होंने ये किया है कि प्री सीजन जो है ना, अभी प्री सीजन चल रहा है, बल्कि पिछले दिनों एक टीम इंटरनेशनल स्टेडियम में गई थी, शायद यूएई की टीम गई थी, तो वो ग्राउंड में नहीं जा सके, सारा सारा टूर वो इंडोर ही खेलते रहे। सही, वो ग्राउंड में नहीं जा, इतनी बारिशें, इतना मौसम ख़राब था कि वो अपना इंडोर प्रैक्टिस, इंडोर में हाँ, ही प्रैक्टिस करते रहे और खेलते रहे। तो ये प्री सीज़न है इनका, यहाँ पे अपसेट, मैंने आपको याद है एक सोशल मीडिया पे मैंने कह दिया था कि ये अपसेट ये नहीं है, ये और भी बड़े अपसेट होंगे अभी। अच्छा, आयरलैंड, देखिए आयरलैंड ने हरा दिया इंग्लैंड को, उसी भी तो मैंने कहा था कि ये अपसेट नहीं है, और भी होंगे, और फिर ये वाला अपसेट हो गया। बिल्कुल, जिम्बाब्वे, आप इसको अपसेट कहें, नलायकी कहें, जो मर्जी कहें, शायद अफरीदी से इसको नलायकी कह रहे हैं, वो कहते हैं मैं इसे अपसेट नहीं मानता। न्यूजीलैंड कल श्रीलंका से टकराएगा, कल दूसरे ग्रुप का ये आखिरी मैच होगा, तीन तीन मैचेस उनके हो जाएंगे और इसके बाद इतवार वाले दिन पाकिस्तान का फैसला हो जाएगा कि उन्होंने सेमीफाइनल में जाना है या वर्ल्ड कप से उनका। पाकिस्तान का 30 को नीदरलैंड के खिलाफ है जी, नीदरलैंड के खिलाफ, तो वहाँ कैसे फैसला हो जाएगा? आप नीदरलैंड से भी हरवा रहे हो? नहीं 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 यार, बड़े ज़ालिम आदमी हो, खुदा का नाम है नवीद साहब। और क्या आपको भी सर जो हालात हैं, ऑस्ट्रेलिया भेजें तो पता लगेगा। सर जो हालात हैं वो तो ऐसे ही दिख रहे हैं, आप कोलैप्स कर जाती है बैटिंग लाइन, आप कोई खड़ा होने वाला नहीं होता, कोई जिम्मेदारी लेने वाला नहीं होता। नीदरलैंड से छोड़ दें, फिर क्रिकेट वापस आए। सर छोड़ तो इन्हें अभी देनी चाहिए थी जब जिम्बाब्वे से एक रन से मैच हार गए थे। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान फेवरेट है, ये अलग बात है कि जब पाकिस्तान की टीम अभी आपको गया नीदरलैंड गई थी पूरी पोटेंशियल के साथ, तीन मैचों में से दो मैच बड़े टफ हुए थे, बहुत टफ हुए थे, एक मैच पाकिस्तान आसानी से जीत गया था, दो मैच बड़े ही टफ हुए थे जी, और मैच फंस का पाकिस्तान जीता था, तकरीबन ले गए थे जी, ऐसे ही है, ऐसे ही। तो अच्छा, आपका इरादे, इरादे सर नेक हैं, पर टीम ना, टीम की जो सूरत हाल है वो ऐसी नहीं दिख रही। वैसे आप क्या समझते हैं, चले मैच पे पाकिस्तान और नीदरलैंड पे ठीक है, आप कह रहे हैं पाकिस्तान जीत जाएगा, हम भी पाकिस्तानी जरूर गए, बांग्लादेश और जिम्बाब्वे का मैच है इतवार वाले दिन, बांग्लादेश और जिम्बाब्वे का, देखो ना, अब अगर जिम्बाब्वे जीत जाता है तो जिम्बाब्वे तो फिर ये है कि पाकिस्तान से भी जीत गया जी, फिर उसका एक तीसरा तीन पॉइंट्स हैं और दो ये जीत के 5 पॉइंट्स उनके हो जाएंगे। तो मुझे आप तीन मैचेस के बाद, तीन है ना उनका, एक मैच वाश हुआ पहले, ठीक है, तीन और दो 5 हो गए, तो वो तो हमसे आगे निकल जाएंगे बिल्कुल, तो और कौन पकड़ेगा फिर। साथ ही मजे के बात कि सेम डे में इंडिया और साउथ अफ्रीका भी टकराएगा, अनलेस के बांग्लादेश जीत जाए, बांग्लादेश के भी आपको पता पॉइंट नहीं है ना जी, बांग्लादेश भी आ रहा होगा, तो ये मतलब कैलकुलेशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन है, ये प्रोबेबिलिटी काफ़ी वीक है, ठीक है, हमारा जो चांस है ना बहुत कम लगता है मुझे। और फिर 3 तारीख को असल में मैच है हमारा साउथ अफ्रीका के साथ, हाँ 3 साउथ अफ्रीका, लेकिन बांग्लादेश अगर सर जिम्बाब्वे से जीतती है दिन भी बांग्लादेश के 2 पॉइंट्स ऑलरेडी हैं और 4 पॉइंट्स हो जाएंगे। देखे ना अपना किसके साथ, सिडनी में तो नहीं है हमारा मैच, सिडनी की तो नहीं, हमारा यहाँ पर्थ में ही है, पर्थ में की विकेट भी बड़ी अच्छी है, तेज पर्थ में। पाकिस्तान इंडिया के दोनों मैच, ये पाकिस्तान और ये नीदरलैंड का, ये तो नवीद साहब पाकिस्तान टीम ये छोड़े, आपके इरादे ठीक नहीं लग रहे शेख साहब बात करेंगे। मैं तो वैसे हार जीत हो मैं पाकिस्तान के साथ, ठीक है, मेरी ख्वाहिश होती है कि चलें ये रास्ता नहीं, इधर से छोटी पतली गली से होके किसी तरह निकल जाए, मेरी तो ख्वाहिश है, लेकिन मुझे लग नहीं रहा। अयाज अकबर हमारे साथ मौजूद हैं, अयाज भाई वेलकम करते हैं शो में। जी सलाम अलैकुम, आपको भी शेख साहब को भी। वालेकुम सलाम अयाज, बड़े अरसे से आप क्रिकेट कवर करते हैं, स्पोर्ट्स कवर करते हैं, क्या समझते हैं पाकिस्तान की टीम का, इस तरह का आपने कभी गेम देखी है, पाकिस्तान जिम्बाब्वे से शिकस्त खा गया, क्या कमेंट करेंगे इस हवाले से? हाय वो कहते हैं दिल के अरमा आंसू में बह गए जी। हाँ भाई जान, क्या कमेंट करें, मुझे बताएं इसमें कोई कमेंट बनता है? ये वो 4 साल का रोना है जो हम रो रहे थे जी, ये वो सिस्टम का, वो कहते हैं ना जब आप कोई चीज बोते हैं तो फिर वही काटते हैं, ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि आप गंदम बोए और गन्ना काटे। सही, तो 4 साल में आपने जो बोया वो काटेंगे भाई जान, ये तो देखे ना, ये तो प्रोसेस है। सही, इस प्रोसेस में से आप जो चीजें निकालेंगे वही निकलेंगी ना, तो अब वो 4 साल में आपने कोई काम ही नहीं किया, ना आपने कोई प्लेयर तैयार किया है, ना आपने कोई सिस्टम। ये देखे आज मुझसे कोई बात कर रहा था कि इंडिया का एक से एक प्लेयर यादव हो, कोई भी हो, एक से एक निखर के आ रहा है जी। तो मैंने उनको कहा भाई सिस्टम है, देखिए प्लेयर आप शख्सियात पे नहीं जाते, आप सिस्टम को फॉलो करते हैं, जब आपका सिस्टम ठीक होता है ना तो एक अचानक बच्चा आता है
और वो बच्चा जो है वो आप कहते हैं ये कौन है यार, जब देखते देखते वो पाकिस्तान या इंडिया या किसी भी नेशनल टीम की रीढ़ की हड्डी बन जाता। तो वो सिस्टम बदकिस्मती से हम वो सिस्टम जो है वो हम किसी और की चाल चलते हुए अपनी चाल भी भूल गए। सही है। खान साहब ने हमारे साथ जहाँ मुल्क के साथ खिलवाड़ किया उस तरह खान साहब ने हमारे क्रिकेट के साथ भी खिलवाड़ कर दिया, और ऐसे खिलवाड़ किए कि मुझे नहीं लगता कि अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक के अगले 5-10 साल हमारी कमर टूटती हो अगर यहाँ से हम जीरो से भी स्टार्ट लें, क्योंकि हम बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, हमारा स्ट्रक्चर खत्म हो चुका है, कोई क्लब लेवल मौजूद नहीं है, कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल मौजूद नहीं है, कोई रीजन लेवल मौजूद नहीं है, अगर जो भी आएगा वो जीरो से दोबारा स्टार्ट लेगा और आपको ये खमियाजा भुगतना पड़ेगा। ये जो आप दुआएं कर करके, और वो आज किसी ने पूछा ना कि पाकिस्तान की टीम कैसे सेमीफाइनल में पहुंचेगी, तो वो बड़ा एक मीम्स चल रही है आजकल, किसी ने कहा कि साउथ अफ्रीका की टीम पे बिजली गिर जाए, बांग्लादेश की टीम जो है उनको पोलियो हो जाए, किसी ने कहा किसी को वायरस हो जाए, किसी ने कहा वो फटा करके वापस चले जाए, तो तब जाके पाकिस्तानी टीम पहुंच सकती है। तो ये अलमिया है कि आप बैठ के मसले के ऊपर सारे दुआएं करें कि ये हो जाए और वो हो जाए, मतलब ये तो बात है यार, पाकिस्तान की नंबर वन टीम सरफराज अहमद की कप्तानी में रही है, खान साहब के आने से पहले हमारी टीम T20 में कितना अर्सा हम नंबर वन रहे हैं, सेठी साहब के होते हुए हम टेस्ट टीम नंबर वन रहे हैं, वनडे में हम 1-2-3 पे रहे हैं, और ये अलमिया है कि आज हम देखें निवीद हार जीत इज अ पार्ट ऑफ गेम, सही है, इसमें कोई अपसेट्स होते हैं, इसमें कोई मजाकिया नहीं है कोई हम, लेकिन आप देखें आपकी टीम खेल क्या रही है, इंडिया के खिलाफ क्या खेली है, पाकिस्तान में आप होम सीरीज में क्या खेले हैं और आप क्या खेल रहे हैं। सही है। देखें ये कोई एक दफा होता है ना कि यार आप कोलैप्स हो गए हैं, कोई बात नहीं होती है कि आप कंडीशन रीड नहीं कर पाए, भाई आप मुसलसल आपकी परफॉर्मेंस ये आ रही है, आप होम सीरीज भी हारे, न्यूजीलैंड में आप वैसे ही बस दबड़कुचड़ में, उन्होंने भी अपने पूरे लड़के नहीं खिलाए इस तरीके से आप, और आप देख रहे हैं इंडिया से आप किस तरह हारे, और आप जिम्बाब्वे आप देख रहे हैं ये हाल हुआ, तो नेदरलैंड से बांग्लादेश से आप तो अफ्रीका आपको हिलने भी नहीं देगा जी, बिल्कुल आपको उम्मीद ना रखें इस टीम से, और ये अगर मगर का चक्कर छोड़े और दुआ करें कि इस नुसरत से अयाज साहब देखें आप बड़े मायानास कोच हैं, शहनशाह को आपने मतलब ट्रेन किया, अंडर 16 से आपने इस लड़के को फाइंड करके, मुझे याद है कि आप उधर KP के कोच थे और आपने बड़ी मेहनत की और लड़का, लेकिन ये देखें इंजर्ड खिला रहे हैं, आपने देखा है क्लिप देखे हैं, आपके पास क्या रेमेडी है, इन लोगों का क्या इलाज है कि मेडिकल पैनल ट्रेनर फिजियो इन सारों ने तबाह कर दिया, एक पाकिस्तान का एसेट था और खाम खा उसको रगेड़ रहे हैं इस इशू पे, बड़ा बर्निंग इशू है कि शहनशाह को क्यों ये अनफिट खिला रहे हैं, ठीक नहीं हुआ तो भाई टाइम दें रीऐप करें, कोई ऐसी बात नहीं है, पाकिस्तान का एसेट है, बहुत अच्छा लड़का है और ज़रूरत है पाकिस्तान को, एक टूर्नामेंट नहीं होता आगे भी होते हैं, एक तो मेरा ये सवाल है, दूसरा ये कि सियासी में सवाल कर रहा हूं, क्या सुन रहे हैं इस्लामाबाद में, मैं तो सुन रहा हूं कि भाई बड़ी धुआंधार चल रही है, ये सारा बोर्ड जो जा रहा है ये सारा नॉमिनेटेड बोर्ड था, अनडेमोक्रेटिक था, और इन्होंने सारी क्रिकेट डोमेस्टिक इंटरनेशनल और फिर डीलें बहुत सारी की हैं, उस पर बड़े सवालात उठ रहे हैं, इन दोनों का ज़रा याद, आप वेल इन्फॉर्म्ड रिपोर्टर भी हैं, कोच भी हैं, क्रिकेटर भी हैं, और फिर आप एक मतलब है कि मर्द बुरान भी हैं, पाकिस्तानी बहुत बड़े हैं आप, मुहिब वतन हैं, तो आपको तो दुख हमसे ज़्यादा हो रहा होगा, लेकिन ये है कि इन दो सवालों का मुझे जवाब दे दें, आपका क्या टेक है इन दोनों पर। देखिए सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ फिटनेस के हवाले से, ये तो बच्चे को पता है, आप मुझे बताएं कि नी की इंजरी कभी 4-5-6 हफ्तों में महीने में खत्म हुई है, मुझे तो आज तक नहीं लगा, वो भी फास्ट बॉलर की नी की इंजरी, मतलब ये बात है, देखें आपकी टीम मैनेजमेंट इतनी कमजोर है, इतनी वीक है कि आपका प्लेयर इतना स्ट्रांग है कि वो अनफिट होके भी आपसे खेलता है, आप उसको बैठाने की आपके पास इतनी हिम्मत नहीं है कि आप अपने प्लेयर को कहें कि आप तुम फिट नहीं जाओ रिहैब करो, हम आपको नहीं खिलाते, ठीक है जी, वो कहता मैं खेलना चाहता हूँ, वो आगे खेल रहा है और आप उसको खिला रहे हैं मजबूरी से, क्योंकि वो खेलना चाह रहा है, क्योंकि वर्ल्ड कप है ना, देखिए वो तो बच्चा है अभी 18-20 साल का 21 साल का बच्चा है, और इस उम्र में शेर साहब आपको पता है कि हर बच्चा कहता है मुझे खिलाओ, उसकी उंगली टूटी हुई है पाँव टूटा, वो कह के मैंने खेलना ये तो टीम है, लड़का भी तकड़ा है बहुत अच्छा जी, वो जहरी तौर में बड़ा तकड़ा है, मैं ये नहीं कहता, देखिए वो इस वक्त शाहिन शाह इस वक्त टीम की बैकबोन बना हुआ है, तो वो इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि वो टीम मैनेजमेंट उसके सामने कुछ भी नहीं कर सकती, नंबर वन, देखिए हम रियलिस्टिक बात करेंगे, उसकी एज फार एज उसकी फिटनेस कंसर्न तो ही इज नॉट फिट, आप 70%, 80% मैं कहता हूँ वो 40% भी फिट नहीं है, ठीक है, उसका रनअप देख लें, उसका रनअप देख लें, उसका गैदर देख लें, उसकी नीचे लैंडिंग देख लें, उसका वेट शिफ्टिंग देख लें, जो नी के ऊपर वो वेट शिफ्ट कर रहा है अपना, ठीक है, फॉलो थ्रू देख लें, देखें हर चीज ही वो शहनशाह लग ही नहीं रही, तो बच्चे को पता है यार, ठीक है। अयाज भाई मेरे पास आखिरी मिनट चल रहा है, जरा शॉर्ट सा जवाब दीजिए, दूसरी बात
ये जो बोर्ड में तब्दीली जी मैं बिल्कुल देख रहा हूँ, और जिस तरीके से ये जो खिलवाड़ हुआ है क्रिकेट के साथ और जिस तरीके से ये कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं सारा, ये बिल्कुल शेख साहब मैनिपुलेटेड काम हुआ है, सारा फिक्स हुआ हुआ है, सब लोगों को खुश करने के हवाले से लोगों ने यहाँ पर अपनी अपनी दुकानें चलाई हुई थी। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है पैटर्न चीफ से, मैंने भी उनसे रिक्वेस्ट की थी कि सर कुछ कुछ लोगों की नजरें आपके ऊपर हैं, खुदा का खौफ करें, इस काले बादलों से हमारी जान छुड़ाएं, और अल्लाह ताला आपको देख रहा है, आपने अल्लाह ताला ने आपको ताकत दी है, और लोगों गरीब लोगों की दुआएं सुने, एक तो इन मनुष्यों से हमारी जान छुड़ाएं और कुछ सिस्टम की लेके आए ताकि हमारी बैठ लगवामी लेवल पे हमारी कोई इज्जत भी रह जाए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट अयाज अकबर हमारे साथ मौजूद थे, शेख साहब आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन आज के प्रोग्राम में बात किया हमने पाकिस्तान को शिकस्त हुई है जिम्बाब्वे से, जो पाकिस्तानी आवाम को हज़म नहीं हो रही, और साथ ही अब अगला मुकाबला हमारा नीदरलैंड के साथ होने जा रहा है, हम इतवार को मुकाबला करेंगे साउथ अफ्रीका के साथ, और फिर आखिरी मुकाबला हमारा बांग्लादेश के साथ होगा। क्या पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल में जाएगी या नहीं जाएगी, ये वक्त ही फैसला करेगा। आज के शो से अपने होस्ट विद खोखर को दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।